कांग्रेस को राहुल गांधी में देश का भविष्य दिखता है। पार्टी आधिकारिक तौर पर कहे या ना कहे, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को उनमें नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकने वाला एक शख्स, एक प्रधानमंत्री का दावेदार दिखाई पड़ता है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर है। लेकिन ऐसा क्यों है कि बीजेपी खुले तौर पर राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बता रही? क्या राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं लेकिन वोट बीजेपी के पाले में चले जाते हैं? क्या है इस सियासत का झोल कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है लेकिन बीजेपी कहती है कि वो हमारे स्टार प्रचारक है? जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा, जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज ही सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट, उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाता है। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी बीजेपी के लिए एडवांटेज ही हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक चुनौती को लेकर ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का है। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर। कांग्रेस को अधिकार है कि राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बताने के बयान को खारिज करे और पलटवार करे। लेकिन क्या कांग्रेस को ठहर कर सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा बीजेपी क्यों कह सकी और बीजेपी ही क्यों कह सकी? यही बात तो ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी के लिए कही थी। आपके दिल को दिन में राहुल गांधी मोदी की राहुल गांधी की न्याय यात्रा पिछले हफ्ते बंगाल में थी। तभी ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। एनडी गठबंधन को जो झटका था वो था ही, क्या ये राहुल गांधी पर ममता के अविश्वास का स्टेटमेंट नहीं था? राहुल न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे, उससे पहले नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए में आ चुके हैं। सोचिए, मंगलवार को पूर्णिया में होने वाली राहुल गांधी की रैली में नीतीश कुमार शामिल होने वाले थे। नीतीश ने भी इंडी गठबंधन की उम्मीदों को जो झटका दिया वो दिया ही, लेकिन क्या ये राहुल गांधी पर नीतीश कुमार के अविश्वास का स्टेटमेंट नहीं था? बेशक बिहार और बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम सीधे राहुल गांधी से नहीं जुड़े, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के फैसलों में उनकी अपनी अपनी राजनीति है, राज्यों के समीकरण है। लेकिन याद कीजिए, 23 जून 2023 को जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की पहली बैठक हुई तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल को दूल्हा बनाने की कोशिश की थी। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले। क्या कुछ ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व संयुक्त विपक्ष को स्वीकार नहीं? क्या कुछ ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी राजनीतिक रूप से असहज होती नहीं दिखती? पर क्या इसका जवाब राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ को लेकर बना परसेप्शन है? क्या इसका जवाब राहुल गांधी की पॉलिटिकल मूव्स की टाइमिंग है जो कई बार सवालों के घेरे में आई? क्या इसका जवाब राहुल गांधी की राजनीति में जनता की नब्ज न पकड़ पाने के आरोप है, जैसे अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को गंवा देना? तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। क्या बीजेपी का विरोध करने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया जाना चाहिए था?
क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी की तरह सिर्फ बंगाल के नेता है जहां कई संसदीय सीटों पर मुस्लिम फैक्टर हावी है? क्या राहुल गांधी सीताराम येचुरी की तरह ऐसी पार्टी के नेता है जिसकी विचारधारा में धर्म का विरोध है? क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरह यही बार बार नहीं दोहरा सकते थे कि मैं अयोध्या जाऊंगा? हिंदू जनमन को क्या कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा ऐसे ठुकरा सकता था? चलिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाने का फिर भी एक वैचारिक आधार है, लेकिन ये वही राहुल गांधी ही तो हैं जो मोहब्बत की दुकान का एडवर्टाइजमेंट जारी करते करते नरेंद्र मोदी के लिए पब्लिक मंच से क्या कह जाते हैं, ये भी सुनिए। याद है? हाँ, क्या पनौती? पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने विरोधियों को भी गले लगाने का विजुअल ट्रीटमेंट देने की कोशिश सीधे लोकसभा में की थी, जाकर प्रधानमंत्री के गले लग गए थे। लेकिन उनकी गंभीरता कुछ मिनटों में तब सामने आ गई थी जब प्रधानमंत्री को गले लगाने के बाद उनका आंखों का इशारा कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया था। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। ...2024 में ये सवाल तो उठेगा ही कि राहुल गांधी ने 2004 से शुरू हुई अपनी संसदीय यात्रा में अपना कौन सा व्यक्तित्व गढ़ा। देश की जनता अब राहुल गांधी का नाम सुनती है तो वो कैसे नेता की तस्वीर अपने मन में उतारती है? राहुल गांधी के समर्थकों के लिए ये कह देना आसान है कि राहुल गांधी जनेऊधारी है, लेकिन क्या भारत का मानस ये नहीं कहेगा कि ऐसा कैसा जनेऊधारी है जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है? ये बात सही है कि हिंदू दर्शन शरीर के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के साथ साक्षात्कार के स्तर पर जरूर पहुंचता है, लेकिन क्या उसकी अभिव्यक्ति वैसी हो सकती है जैसी पिछले साल राहुल गांधी ने की थी? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिवजी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी कैजुअल लीडर होने का लेबल चस्पा कर सकी तो उसकी वजह कई रही, जैसे राहुल गांधी राजनीति के कई अहम मौकों पर विदेश यात्रा पर रहे। राहुल गांधी पर अपरिपक्व नेता होने का आरोप बीजेपी ने लगाया, उसका मौका खुद राहुल गांधी ने दिया। याद कीजिए 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी कैसे चौकीदार चोर है के अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताकर ऐसे फंसे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी तक मांगनी पड़ी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट है सेड चौकीदार ने चोरी की है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए गौतम अडानी का नाम राहुल गांधी का फेवरेट है। वो जनता से यहां तक कह सकते हैं कि खर्च आपका, मुनाफा अडानी का। जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अडानी जी के जेब में पैसा जाता है। राहुल गांधी का यही अडानी विरोध तब बेईमानी नजर आती है जब कांग्रेस की तेलंगाना सरकार अडानी के साथ निवेश का समझौता करती है। राहुल गांधी की राजनीति का ऐसा विरोधाभास दो सांसदों वाली पार्टी AIMIM को भी ये कहने का हौसला देती है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर हैदराबाद आकर चुनाव लड़ सके तो लड़ लें। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे,
अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं वायनाड को, यहां हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। भैया देखिए, राहुल गांधी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी विरोध में पत्रकार के विरोध का तेवर दिखा सकते हैं। हवा निकल गई, हवा निकल गई। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद के सांसद होने पर भी राहुल गांधी की जबान अटपटा सकती है। Unfortunately, I'm a member of parliament and... वैसे राहुल गांधी के पास कांग्रेस की राजनीतिक विरासत है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी को ठहर कर सोचना होगा। सोचना होगा कि जननायक बता देने से कोई जननायक बन नहीं जाता। सोचना होगा कि जनता के बीच उनके राजनीतिक संदेश कैसे पहुंच रहे हैं, वरना बीजेपी के पास मौका तो है ही। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।